हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 7:30। फर्स्ट इंट्रो व्लॉग मैं डाल चुका हूँ चैनल पे, तो ये बेसिकली मेरा सेकेंड व्लॉग या फिर फर्स्ट एक्चुअल व्लॉग है। वो इंट्रो था, ये फर्स्ट एक्चुअल व्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम पेन जा रहे हैं। डैड का बर्थडे है कल, तो आज 12 बजे भी केक वहीं पे कटवाएंगे। मेनली अभी सारी पैकिंग एक दिन की है, बट हो गई है, मैंने बहुत सामान लिया है। तो अभी लेट्स गो। सो वी आर लीविंग, 90 किलोमीटर समथिंग है। अरे फाइनली डन। तो अभी मंसर के पास पहुँचे, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे पहले। एक तो रेस्टोरेंट्स अच्छे दिख रहे हैं, तो अभी पहले देखता हूँ। चेंज ऑफ प्लान, वहाँ कुछ उतना खास नहीं था, तो मतलब पहले यहाँ पे जगह देखा था, उतना कुछ खास नहीं था। तो अभी यहाँ पे, इसके पहले मैं अपने दोस्त का खाया हूँ, यहाँ का टेस्ट ओके ओके था, तो मैं अभी यहाँ पे खा रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, गरम है समझो, और भजिया भी बना के मिल रहा है, तो यहाँ पे। सेकेंड आइटम इन द ब्रेकफास्ट, नाइस टेस्ट। डन विद ब्रेकफास्ट, काफ़ी टाइम हो गया यार। अभी 10:36 हो गया, हमको 9:30-8 तक वहाँ पहुँचना था, एक घंटा लेट चल रहा है मैं सब। कंटिन्यू स्ट्रेट पास्ट गंगामढ़ी रेस्टोरेंट। कुछ कचरा गिर गया। नहीं कचरे नहीं सर, लेमन का जो है ना उसका। ओके थैंक यू। सो फाइनली रीच रिसॉर्ट। दिस प्रॉपर्टी इज रियली ब्यूटीफुल। फाइनली पेंच पहुंच गए, और ये रिसॉर्ट काफी प्यारा है यार। मतलब एक्टिविटीज काफी है यहाँ पे करने को, लाइक आर्चिंग है, क्रिकेट है, आई थिंक पूल टेबल भी है यहाँ पे, और वहाँ वाटर पार्क है। सो वी आर फाइनली हेडिंग टू आवर रूम्स। रूम अलॉट हो चुके हैं, तो भी हम रूम में जा रहे हैं। क्विक रूम टूर। सीटिंग स्पेस है,
वॉशरूम है। दिस इज द बेडरूम। सो दिस इज द बेडरूम। This is the main washroom. And the best part, jacuzzi. बाहर व्यू है पता नहीं। ये बैक कर। Hello, this is the food we have today. हाय, जब भी खाने के बाद बहुत नींद आई और सीधा सो गया मैं, तो अभी उठाऊँ चाय पिए। और हाँ, तो जैसे अभी 12 o'clock को डैड का बर्थडे चालू हो जाएगा, तो मेरे अंकल लोगों को भी पता था, तो उनने यहाँ के होटल स्टाफ को बोल के यहाँ पे एक ये अरेंज करवाए हैं, एक थोड़ा सा डेकोरेशन करवाए हैं, और केक तो हम लाए थे। तो आज भी डायट को पता नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसा अरेंजमेंट किया है, क्योंकि वहाँ पे आप तो आसपास डायट बैठे हैं और उनको पता नहीं है कि वो अरेंजमेंट उनके लिए है। और यहाँ काफ़ी ठंडी है, आप शायद पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा, मुँह में मुझे ये ठंडी भाप निकल रही है।